अस्सलामुअलैकुम जी, मोहम्मद सुफियान आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जो जगह आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है परीजाट ड्रामे की शूटिंग जहाँ पर हुई है, और गोलड़ा शरीफ का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सीन जो ड्रामे में दिखाए गए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये दिलचस्प भी लगेंगे और पसंद भी आएंगे। और स्टेशन तो खूबसूरत है ही, वो तो ड्रामे में आपने देख ही लिया होगा, रियल में ये कैसे लगता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये इस वक्त जिस बेंच पे मैं बैठा हूँ ये वही बेंच है जहाँ पे नासाज का एक सीन आता है, वो बंदा इस बेंच पर लेटा होता है और सामने वहाँ पर परीजाद जो है वो खड़ा कुछ सोच रहा होता है, शायद उसका कोई खुदकुशी का इरादा था, और नासाज इस बेंच से उठकर उसकी तरफ जाता है। ये वाला वो बेंच है जहाँ पे उसको लेटा दिखाते हैं ड्रामे में, आप भी इसको सही तरह से देख लें। ये बेंच जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर वो लेटा होता है और यहाँ से उठ के परीजाद की तरफ आता है। यहाँ पर परीजाद साहब खड़े होते हैं और ख़ुदकुशी के बारे में सोच रहे होते हैं। ये है वो जगह जहाँ पे वो हाथ में रजिस्टर लिए इस तरह खड़े होते हैं और नसाज साहब पीछे से आते हैं और उससे कुछ दिलचस्प बातें करते हैं। उन बातों की वजह से उसका जहन जो है वो चेंज हो जाता है और वो खुदकुशी का इरादा तब्दील कर लेता है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, और भी थोड़ी शूटिंग की जगह है वो आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ जहाँ पर इस ड्रामे की शूटिंग हुई है, और साथ साथ आप रेलवे स्टेशन भी देख ही रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म से वो चलते जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते जाते हैं। तो आगे चलते हैं, एक और जगह है जहाँ पे परीजाद बैठा कुछ ख्यालों में गुम होता है, सोच रहा होता है, और ये आगे जाकर हमें आपको वो भी ये बेंच जहाँ पर वो बैठा कुछ सोच रहा होता है। मैंने पहले भी आपसे आपको बोला था कि वो एक और बेंच है जिस पे बैठा परीजाद कुछ सोच रहा होता है, और इससे आगे हम साथ और चलते हैं मज़ीद, क्योंकि वो जब साथ चल रहे होते हैं इस प्लेटफॉर्म से तो वहाँ पे वो अपनी एंडिंग करते हैं। तो फिर नसाद कहते हैं कि मैं अपना यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया है, मैं इधर जा रहा हूँ, और परीजाद जो है उसको सी ऑफ करके वहाँ से उधर चला जाता है। तो वो जो एंडिंग वाली जगह थी उधर भी चलते हैं। नसाद अपने रास्ते चला जाता है और परीजाद अपने रास्ते चला जाता है, और परीजाद फिर जो आखिर में लाइन क्रॉस करता है और गाड़ी आती है और वो भाग कर लाइन क्रॉस करता है, वो वाली जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले आइए, ये है वो रास्ता जहाँ से वो लाइन क्रॉस करता है और इधर से ट्रेन आती है। पीछे आपको ट्रेन देख सकते हैं, ट्रेन की क्रेन है जो वो आपको वाज़ह तौर पर दिखाई दे रही है, और वो भाग कर यहाँ से लाइन को क्रॉस करता है। तो ये सामने देखें गोलड़ा 1881, ये स्टेशन बनने की तारीख लिखी हुई है यहाँ पर, और वीडियो में जो ड्रामा आता है ड्रामे की वीडियो वहाँ पे भी वाज़ह तौर पर ये देखा जा सकता है जो गोलड़ा लिखा होता है ऊपर। और इधर से जो है परीजाद आते हैं, और ये सामने है वो खिड़की जहाँ से वो टिकट ख़रीदते हैं। अभी मैं जो प्लेटफॉर्म है उसके पास जाकर आपको वो खिड़की करीब से दिखाता हूँ।
अब ये बंदा जिधर से चल के जा रहा है बिल्कुल इसी जगह से परिजात जाता है और यहाँ खिड़की के पास खड़ा होकर यहाँ से टिकट ख़रीदता है। आखिर में इस ड्रामे के जो मशहूर शेर व शायरी थी वो ना हो तो ये आज की वीडियो नामुकम्मल होगी। शेर व शायरी सुनाने से पहले मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अभी आप सुनिए शेर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शेर आपको पसंद आया या नहीं। तो चलिए सुनते हैं शेर। कैसे मेरे फटके जो मक़ूम मैं सारे आते तेरे नाम से मासूम मैं सारे शायद ये ज़र्फ़ है जो मासूम अब तक बना तो तेरे ऐ बपी मालूम मैं सारे सब चंद मेरी राख से मासूम है मोहसिन क्या मेरे स्वर्ग में मासूम मैं सारे।